हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता सिंह आज आपके लिए लेकर करके आई हूँ स्वीट डिश। और मालूम है ये स्वीट डिश मैंने क्यों बनाया है, आज ही के दिन मैंने क्यों चुना है? क्योंकि ये मेरी 100th वीडियो है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज मेरी पूरी 100th वीडियो कंप्लीट हो रही है। और हम लोगों ने इसी खुशी में सोचा कि कुछ अच्छा सा, बहुत डिलीशियस सा बनाए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है सिवई की कटोरी में रबड़ी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या डालना है। तो फ्रेंड्स, देख करके तो आज आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये तो बहुत ही अच्छी वाली सेवैया है और इसी से तो हमको बनाना है सेवई की कटोरी। देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। इसको मैं पहले क्रश करूंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी। ये देखो, ये मैंने पॉट ले लिया है और इसमें मैं बस अब इस तरह से छोटे छोटे से इसके पीसेस, ये देखो, ऐसे करूंगी क्रश। और जितने ऐसे बारीक करोगे ना, उतनी जल्दी और उतने अच्छे से इसकी जो कटोरियां हैं वो बनती हैं। इसलिए जहाँ बीच बीच में यदि लंबी आ रही है तो उसको हमको दोबारा करना होगा। ये मैंने लिया है 100 ग्राम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये रोस्टेड वाली सिवैया ली है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से रोस्ट करूंगी, भून लूंगी। लेकिन उसके पहले मैं इसमें डालूंगी करीब 1 स्पून भर की घी। तो ये मैंने घी ले लिया है, आप चाहे तो थोड़ा सा और ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये ले लिया मैंने घी और इसको अब बहुत धीमी आँच में, एकदम धीमी धीमी आँच में मैं इसको सेकूंगी। यहाँ पर ये जो कलर है, देखो अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, तो जब हम थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे तो उसका कलर और भी बढ़िया ब्राउन हो जाएगा, बहुत अच्छे शेड में आएगा ये। और खाने में भी इसमें जो खुशबू आने लगती है, जो अपन कोई भी चीज़ को रोस्ट करते हैं या इस तरह से भूनते हैं ना, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो धीरे धीरे करके घी की खुशबू के साथ में ये भी बहुत अच्छा लगेगा फिर टेस्ट में। ये देखो, इसका कलर हल्का सा डार्क होने लगा है, ये का मतलब ये भून गया है। अब हम इसके आगे का करेंगे। जब हमने इसको अच्छे से भून लिया है तो अब क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा हार्ड हो जाती है ना, कड़क हो जाती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये डालूंगी स्पून, 1 स्पून भर के पानी, और फिर ये 2, और ये इसके बाद में 3 स्पून भर के मैंने पानी डाला। और फिर इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट करीब मैं इसको रख दूँगी। अब मैं इसके बाद डालूंगी मेरा होममेड कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क मैंने पहले बना चुकी हूँ और इसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर भी किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपके लिए इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ। तो अब मैं इस कंडेंस मिल्क को यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के लूँगी और इसमें अच्छे से इस तरह से डाल दूँगी। और ये थोड़ा अच्छा थिक है और मीठा भी है, क्योंकि इसमें मैंने शुगर भी यूज़ किया है। तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया जब इसमें मिक्स हो जाएगा ये, तो इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है या यूँ कहें इसकी स्टिकनेस भी बढ़ जाएगी और ये आपस में बढ़िया मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो हमने होममेड अपना कंडेंस मिल्क डाला है, इसके वजह से ये देखिए सारे जो सिवई अभी तक अलग अलग थी, ये बहुत अच्छे से एक दूसरे से स्टिक होने लगी हैं। और हमने जो पानी यूज़ किया था उसकी वजह से भी ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके बाद में इसमें पिसी हुई इलायची डालूंगी, इलायची पाउडर डालूंगी। मैंने करीब 8 से 10 इलायची पीस ली थी, इस 8 से 10 इलायची का आधा पोर्शन मैं अभी डाल रही हूँ और आधा पोर्शन मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये मैंने डाला, ये देखिए, 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच करीब भर करके मैंने यहाँ पे इलायची डाल दिया। थोड़ा सा और डाल देती हूँ तो इसमें बढ़िया फ्लेवर आने लगेगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी। जैसे जैसे ये थोड़ा सा अभी गर्म करूँगी करीब 1 से 2 मिनट, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए और जब इसकी हम कटोरियाँ बनाएं तो ये बहुत बढ़िया वाली कटोरियाँ बनाएं। ये मैंने कंडेंस मिल्क और इलायची डाल करके मिलाई थी, लेकिन उस समय पे मुझे थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा था, तो मैंने इसमें करीब 3 से 4 चम्मच भर के पानी और डाला ताकि ये स्मूथ हो जाए। यहाँ पे देखिए, मैं हटा के बता रही हूँ आपको, पानी डालने के बाद में ऐसा थोड़ा सा ये स्मूथ होने लगेगा और ये पक जाती है, हल्की हल्की पकेगी और ये आपस में इस तरह से मिक्स होने लगती है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा अपना ट्रिक आजमा सकते हैं
कि भाई यदि बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी सिवैया रेडी हो गई है। अब इन सिवैयों को मैं यहाँ पर मैंने कप में अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसके लिए आप चाहें तो घर में यदि छोटी छोटी कटोरियाँ हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो मैं कपकेक बनाती हूँ, मेरे पास में उसके मोल्ड रखे हुए हैं, तो ये मैंने उसको यूज़ कर रही हूँ अभी। अब इसमें मैं इसके लाइनर्स लगा लूँगी। आप चाहें तो ग्रीसिंग कर लें डायरेक्ट, या फिर इसमें एक जो जैसे पन्नी वन्नी आती है उसको भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं अभी लगा रही हूँ इसके लाइनर्स। तो ये इस तरह से मैं इसको सेट कर दूँगी। दोनों में मैंने लाइनर सेट कर दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा स्पून में लेकर के सिवई को इसमें चारों तरफ लगा दूंगी और कटोरी का शेप दूंगी। ये इस तरह से हम लोग फैलाते जाएंगे इसमें और इसी कटोरी का शेप देते जाएंगे। थोड़ा सा इसको टाइट करके आप लोगों को फैलाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए, इसको धीरे धीरे करके ऊपर लेकर के आना है, कटोरी का शेप देना है। देखिए, एक एक करके हमने दोनों कटोरियों को रेडी कर लिया है। अभी भी हमारे पास में और सिवई रहती है तो हमें और भी कटोरियां रेडी करना है। अभी मैं आपको यहाँ से दो कटोरियां रेडी करके बता रही हूँ। अब इन कटोरियों को हमको करीब 1 से 2 घंटे तक फ्रीजर में रखना है, तो अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी। अब मैं एक पैन में 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर लूंगी। मैंने 1 चम्मच सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके अच्छे से पीस लिया था। इसमें मैंने काजू, बादाम, किशमिश और थोड़ा सा चिरौंजी लिया है, इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और इसमें मैंने ये देखिए 1/2 चम्मच इलायची जो मैंने पहले पीस करके रखी थी, और आधा मैंने सिवई के साथ में डाला था और 1/2 चम्मच यहाँ पर डाला है। और ये 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर लूंगी मैं, इसको डाल लूंगी। साथ ही 2 चम्मच भर के शक्कर डालूंगी मैं इसमें। इसमें मैं 1/2 कप फ्रेश क्रीम लूंगी, ये मैंने घर की मलाई यूज किया है। और साथ ही 1 कप दूध डालूंगी मैं इसमें। दूध डालने से पहले इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी और इसके बाद में अब मैं दूध डालूंगी। ये 1 कप दूध डालूंगी मैं। अब गैस की फ्लेम ऑन करके मैं इसको बढ़िया चला लूंगी और इसमें जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे पकेंगी और अपने आप इसके थिकनेस बढ़ेगी। यदि आपके पास में मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम मार्केट से भी ला सकती हैं, और नहीं तो फिर ये जो दूध है इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकती हैं। और इस तरह से ये हमारी रबड़ी रेडी होगी। देखिए, ये अब पकने लग गया है। इसमें करीब 3 से 5 मिनट लगे मेरे को पकाने में, और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। ये यदि आप 1 मिनट और रखेंगे तो और भी बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद में इसको हम ठंडा करेंगे और फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडा होकर के और भी गाढ़ा हो जाए। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन ड्राई फ्रूट्स को मैं इसमें डाल दूंगी और अब इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और यदि और ज़्यादा जल्दी ठंडा करना है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इसको। ये मेरी जो मैंने सिवई के कप्स बनाए थे वो रेडी हो गए हैं, और इसको हम बाहर निकालेंगे। और अभी हमने जो रबड़ी तैयार की है उसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी। ये देखिए, ये मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया है और इसको करीब 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये और बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। कप्स रेडी हो गए हैं और इसमें मैंने जो लाइनर लगा के रखा था उसको मैं अब हटा दूंगी, और फिर इसके बाद में हमारी जो रबड़ी तैयार हुई है उसको हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए, ये है लाइनर, इसको मैं धीरे धीरे करके हटा दूंगी। ये देखिए, एक कॉर्नर से निकालना शुरू किया है मैंने, अब इसको धीरे धीरे करके पूरे को निकाल लूंगी मैं। देखिए, ये पूरा इस तरह से निकल गया है और ये रेडी हो गया। Thank you.
थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से और डेकोरेट कर लूंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई हमारी डिश। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं अब। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन तो डालें ही डालें, लोगों में शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करें ताकि आपका प्यार हमारे पास तक पहुँच पाए। थैंक यू।